India is not only the biggest neighbor, it's the only neighbor. It's good that we have India as a neighbor. It's a very forward-looking country, and that's where our future is. So of all the countries in the world, Bangladesh must have the best of relationship with India. वो countries जिनको India पैसा देता है, budget में भी उनको पैसा रखता है, तो वो इंडिया से दूरी जो है वो सह नहीं सकते, उनको फिर वापस आना पड़ता है। Bangladesh's interim government chief Dr. Mohammad Yunus has said his country wants good relations with India. भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगला देश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर ये है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के लिए भी एक, वो भी तो देख रहा है ना बांग्लादेश, कि क्या हम इस तरीके से कुछ अगर करते हैं तो हमारे जो बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ से आता है, जो सपोर्ट आती है, वो फिर नहीं मिलेगी, तो क्या हम उसके बगैर, तो क्या अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी बांग्लादेश की? पाकिस्तान अमली तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है और ये इंकशाफ कल से हो रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और किस वक्त इसका ऐलान किया जाएगा? बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियोपॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। 2,56,00,000 रुपए यानी कि जो बिजली का सबसे बड़ा बिल है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा करना है। They need support और इंडिया अगर उनके साथ अच्छे रिलेशन रखता है तो उन्हें फायदा ही फायदा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के सूर अब बदले बदले हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के पास भारत से अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वह भारत के साथ पहले जैसे संबंध रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, भारत के साथ हमारा लंबा रिश्ता रहा है, इसलिए हमें भारत से आगे भी अच्छे रिश्ते रखने होंगे। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध रूप से लोगों के आने जाने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए हमारा देश भारत के साथ मिलकर और बैठकर बातचीत करेगा, इस मुद्दे को आपसी बातचीत से ही सुलझा लेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार मोहम्मद यूनुस ने भारत पर बयान दिया है और अब मोहम्मद यूनुस के सुर बदले बदले हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने मान लिया है कि भारत का उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ये भारत ही था जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाने से लेकर उसे अब तक विकास की राह पर ले जाने के लिए अपना प्रयास करता रहा। बांग्लादेश के लिए भी एक, वो भी तो देख रहा है ना बांग्लादेश, कि क्या हम इस तरीके से कुछ अगर करते हैं तो हमारे जो बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ से आता है, जो सपोर्ट आती है, वो फिर नहीं मिलेगी, तो क्या हम उसके बगैर, तो क्या अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी बांग्लादेश की? इंडिया के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो उनकी हो रही थी उससे बांग्लादेश को फायदा ही फायदा था। अच्छा। वो फायदा अगर ये नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर पाकिस्तान तो वैसे हेल्प नहीं कर सकता ना, अगर प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी आती है तो पाकिस्तान की तो अपना बुरा हाल है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर तो नहीं ना कहीं मिलता, कैसे मदद करेंगे? हाउ, इन व्हाट वे? भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगला देश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर ये है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियोपॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा जिस तरह से मालदीव को किया, या फिर बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा? लेकिन इस मिलने के लिए बांग्लादेश को क्या इंडिया से हाथ धोना पड़ेगा? लेकिन अभी इंडिया भी तो हाथ हटा रहे ना बांग्लादेश को बनाने वाला, इंडिया बांग्लादेश को चलाने वाला, इंडिया उनको फ्री वीजे दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो खत्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो? देखिए, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ। और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी, क्योंकि आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ने ही बनाया। हाँ। लेकिन उनकी दोस्ती थी हसीना वाजे के साथ, जब हसीना वाजे उतरी है तो प्रेशर तो आएगा, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होना है। और अगर वो यूनिटी रखेंगे
एक कौम बनेंगे, बाकी वो भी मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान है, बन जाएगा कुछ ना। इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा दूसरा, हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहा है मेरा 630 मिलियन डॉलर अर्जेंट बेसिस पे वापस। ये तो मुश्किल होगा वापस करना, लेकिन वो बात ये है कि अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं तो जहरी बात है दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है, ठीक है, लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी वो बांग्लादेश के लिए। पिछले एक महीने से मुसलसल एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप पहले कभी कभी नायला को ले आती थी, अब तो आपने बिल्कुल ही नायला को स्क्रीन से गायब कर दिया है। तो नायला आपको वेलकम करते हैं आपके खुद के चैनल पे, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और सबसे पहले मैं अपने उन फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जो बार बार मेरे बारे में पूछ रहे थे, इवन के कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े कह रहे थे लगता है नायला की शादी हो गया और नायला ये कंट्री छोड़ के चलेगी है। सो जब मैं आती थी कहा जाता था कि शायला को और कोई मिलता नहीं, नायला को उठा लेती है। मैं इसको लेके आती थी कि जो इसके फैन है मुझे कहते थे लगता है शायला को कुछ मिलता नहीं अपनी बहन के। और फिर मैंने शायला को बोला यार अब मैं नहीं आ रही, तुम माम पब्लिक का ही लो, लेकिन आज टॉपिक ही कुछ ऐसा था, मैंने कहा यार आज जरा मैं आ जाऊँ थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। आज जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी, अच्छा खासा था यार वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था, हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जांपल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया, देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज्यादा बेस्ट थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए, स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीजन ये लगती है कि इंडिया और रशिया आपस में तुम्हें पता बहुत अच्छे फ्रेंड है और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। के साथ साथ कहते हैं ना कर्ज भी और सूद समेत 6,700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से, बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है, इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए हैं, 16 कमोडिटी कल का है हमारा शो था ऑलरेडी बैन हो गया है, मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गई है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं, मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गया, वही हमारा जमाना आ गया वहाँ पे, वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की, अब उन्होंने पंगा लिया, अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया, पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ हम दोस्ती करते हैं हर चीज़ करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भेजे, लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन आज देखो वो 5th लार्जेस्ट इकोनमी बन गया और लोग वहाँ पर जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं, अमेरिका जैसी कंट्री जिसे हम सुपर पावर कहते थे वो इतना ज्यादा क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है, वहाँ 800 से ज्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पे लोग आते हैं अपने बिजनेस वगैरह ओपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हर रोज महंगाई नहीं बढ़ती, मतलब कि वो कंट्री हर लेवल से एक तरक्की